नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में आज बढ़ेगा सियासी पारा। दरअसल आपको बताते चले कि पश्चिमी यूपी के दो बीजेपी नेता खुलकर आमने सामने आए हैं। संजीव बालियान के संगीत सोम पर संगीन आरोप देखने को मिले हैं। इधर सपा प्रत्याशी को संगीत ने चुनाव लड़ाया, ये बात संजीव बालियान की ओर से कही गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पार्टी हाईकमान से संगीत पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। सोम की सुरक्षा पर बालियान ने निशाना भी साधा है। आज दोपहर 1 बजे संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ कैंट आवास पर संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजीव बालियान को लेकर खुलासे कर सकते हैं संगीत सोम। और साथ ही आपको ये बता दें कि मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद अब संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही आमने सामने हैं, और ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब दो बड़े नेता खुलकर सामने आए हैं, संजीव बालियान। संगीत ने चुनाव लड़ाया है, ये बात संजीव बालियान ने कही है। आज सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी के दो बीजेपी नेता खुलकर आमने सामने आए हैं। संजीव बालियान के संगीत सोप पर संगीन आरोप देखने को मिले हैं। आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी को संगीत ने चुनाव लड़ा है, ये बात संजीव बालियान की ओर से कही गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पार्टी हाईकमान से संगीत पर कार्रवाई की मांग की गई है। सोम की सुरक्षा पर भी बालियान ने निशाना साधा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर 1 बजे संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ कैंट आवास पर संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो संजीव बालियान को लेकर खुलासे भी कर सकते हैं संगीत सोम। इधर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से चुनाव हार चुके हैं संजीव बालियान, जो कि पिछली कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है संजीव बालियान के हारने से, तो वहीं दूसरी ओर अब वाद विवाद का दौर भी जारी है। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेता खुलकर आमने सामने आए हैं। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम है। तो
आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बीजेपी नेता खुलकर आमने सामने आने वाले हैं, संगीत सोम और संजीव बालियान। क्या बात कर रहे हैं? वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा रहे, उसमें कोई दबी छुपी बात तो कही है नहीं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संगीत सोम के बयान, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद पद का बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कोई कार्य नहीं किया, जबकि इतने अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन ली है और सरकारी सहायता ले रहे हैं, कृपया मेरा निवेदन। और जैसे उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, लेकिन बीजेपी के कोटे में महज 33 सीटें आई थी, और ऐसे में अब लगातार मंथन का दौर भी जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कई मुद्दे हावी रहे थे, और जिनमें से एक मुद्दा संगीत सोम और संजीव बालियान की आपसी कलह को लेकर भी था, और ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन की। और ऐसे में इसी को लेकर अब दोनों ही नेता आमने सामने आ चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों ही बड़े नेता संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों एक दूसरे के पर आरोप लगा रहे हैं और आमने सामने आ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तमाम ऐसे मुद्दे हावी रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा डेंट पहुंचा है, लेकिन इसमें से एक बड़ी वजह संगीत सोम और संजीव बालियान की आपसी कला भी थी, कहीं ना कहीं से जो नजरअंदाज किया गया है, यह भी अब कहा जा रहा है कि यह भी एक बड़ी वजह रही है बीजेपी के हार की। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान और संगीत सोम की जो आपसी कला है वो किसी से छुपी नहीं है, लगातार ये आपसी कलह सार्वजनिक मंचों पर भी देखी गई और अलग अलग जगह पर भी देखी गई। हालांकि दोनों को बैठाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पूरी तरह से असफल रहा, और अब चुनाव चूंकि मुजफ्फरनगर अगर इसी आपसी कलह के कारण मुजफ्फरनगर लोकसभा और अन्य जगह नुकसान हुआ है भाजपा को, तो कल भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सीधे सीधे संगीत सोम पर निशाना साधते हुए कहा है संजीव बालियान ने कि कुछ लोगों ने भीतर घात किया है और आपसी कलह का ये नतीजा है कि ये मुजफ्फरनगर सीट हारनी पड़ी है, और जो संगीत सोम है उन्होंने हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाने का काम किया है, सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं उसके बावजूद इस तरह की ये काम किया है, और जो उच्च नेतृत्व है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल सचिन, क्योंकि कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, तो ऐसे में आपसे समझने का ये प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आरोप संगीत सोम की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, संजीव बालियान की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। संजीव बालियान ने जिस तरह से कहा है कि सपा प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया गया है इस बार, ऐसे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज 1 बजे बताया जा रहा है होने वाली है, खुलकर दोनों नेता चुनावी में मोड में भी जब एक दूसरे के आमने सामने थे और चुनाव के प्रदर्शन के बाद भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान चुनाव के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अगर देखा जाए चुनाव से पहले भी इस तरह से तापमान बढ़ता हुआ नजर आया था, और कहा जा सकता है कि संगीत सोम को मनाने के लिए मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद संगीत सोम कहीं ना कहीं नाराज नजर आए थे। ठाकुर बिरादरी की अगर बात की जाए तो नाराज नजर आई थी, जिसका हर्जाना भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर झेलना पड़ा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूर्व विधायक पर लगातार पूर्व मंत्री और सांसद संजीव बालियान आरोप लगाते हुए नजर आ रहे,
रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए तो ये चुनावी दौर से ही ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन उसके बाद सीट हारने के बाद कल जिस तरह से संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है और कहा है कि विश्वासघात पार्टी के नेताओं ने किया, कहीं ना कहीं पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, उसी को लेकर के अगर कहा जाए कि आज 1 बजे संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजीव बालियान के सभी जवाब है उनके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। माना जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी इस वक्त चरम सीमा पर है, गर्माहट है, उसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिस तरह से विश्वासघात की बात की जा रही है, वो विश्वासघात आज नहीं, आज से पहले भी इसी तरह से देखने को मिला था। 2022 चुनाव की अगर बात की जाए तो 22 चुनाव में भी इसी तरह से आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से, जो बड़े नेताओं की तरफ से अगर बात की जाए, प्रदेश संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद संजीव बालियान को मैदान में उतारा गया। और मैदान में आने के बाद जनता के विरोध ने कहीं ना कहीं इसको साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो विरोध होता है वो लगातार एक प्रत्याशी का रहता है। प्रत्याशी जिस सीट पर बदले गए वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विरोध है वो कम देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। माना जा सकता है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर सरदना की बात की जाए, सरदना क्षेत्र में ठाकुरों का विरोध चरम सीमा पर था। 2014 में यही विरोध था जो विपक्षी पार्टी को खदेड़ने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 2014 में लोटा नमक लेकर के कसम खानी पड़ी थी। 2024 के चुनाव की अगर पहले की बात हो तो 2024 चुनाव से पहले ठाकुरों ने लोटा के अर्थात नमक के साथ शपथ ली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा मुजफ्फरनगर को टारगेट किया गया था। और ठाकुरों की अगर बात की जाए तो संगीत सोम का कहना है कि अपने गांव में भी लोगों को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहा जा सकता है कि लोग जिस तरह से नाराज थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहां पर सीट का आंकड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया था। और चुनाव के दिन की अगर बात की जाए तो संगी सोम ने साफ तौर पर कहा था कि मुजफ्फरनगर सीट को छोड़ करके यूपी में 400 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हासिल करेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपसी कलह थी वो पहले दिन से और चुनाव के आखिरी दिन तक देखने को मिली थी, जिसके चलते मुजफ्फरनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। बिल्कुल, अब नुकसान तो हो गया है अतुल, और जैसे आप दोनों ही नेताओं को जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पहले भी मनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब ये विवाद जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सचिन, क्योंकि संगीत सोम की ओर से संजीव बालियान की सुरक्षा को लेकर भी निशाना साधा गया है, माफ कीजिएगा, संगीत सोम की सुरक्षा पर भी संजीव बालियान की ओर से निशाना साधा गया है, यानी अब कुल मिलाकर दोनों ही एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल, देखिए संजीव बालियान ने कहा है कि संगीत सोम सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और भीतरघात का काम कर रहे हैं। तो प्रदेश नेतृत्व से मांग की है कि इन पर कार्रवाई की जाए और इस तरह के जो भीतरघात किया गया है, जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की मांग की गई है। और संजीव बालियान ने जिस तरह से चुनाव में संगीत सोम संजीव बालियान को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा स्तर नहीं है उनसे बात करने का, वो मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, तो उस पर भी संजीव बालियान ने कल कहा है कि मैं PhD हूँ, 10 साल से मुजफ्फरनगर का सांसद रह चुका हूँ, मंत्री भी मैं केंद्र सरकार में रहा हूँ और सरकारी नौकरी में भी रह चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा स्तर क्या है और उनका स्तर क्या है। तो पूरी तरह से कल संजीव बालियान संगीत सोम पर पूरी तरह से अटैक करते हुए नजर आए और उसी का परिणाम है कि आज संगीत सोम भी एक प्रेस वार्ता करेंगे और जो कल आरोप लगाए गए थे उनका जवाब देंगे और ये पूरी तरह से कलह जो है वो आमने सामने की अब खुलकर सामने आ गई है। जी बिल्कुल अतुल, क्योंकि देखिए जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और ऐसे में एक मुद्दा बहुत ज्यादा हावी था, जिसमें से एक संजीव बालियान और संगीत सोम की आपसी कलह और दूसरा ठाकुरों की नाराजगी, जिसका असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला बल्कि राजस्थान में भी, जहां पर जाटों की और ठाकुरों की ज्यादा आबादी है, उन बाहुल्य क्षेत्रों में भी ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाए कि समन्वय बिठाने में क्या कुछ कमी रह गई थी। कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले इस तरह के विरोध लगातार जाहिर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी उन नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ और एक अगर बिरादरी के बड़े नेताओं की बात की जाए तो उनके साथ बैठक करती हुई नजर आती है। 2022 चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बेहद नाराज थे, उन जाटों को साधने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जाट नेताओं के साथ बैठक की और उनको मनाने का प्रयास किया, उनकी मांगों को मानने का प्रयास किया। लेकिन 2024 चुनाव की अगर बात की जाए, जिस तरह से ठाकुर नाराज थे, ठाकुरों की नाराजगी
जनरल बीके सिंह के टिकट के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ सीट हो, हापुड़ बुलंदशहर सीट हो, इन सीटों पर ठाकुरों की मांग की जा रही थी, प्रत्याशी की मांग की जा रही थी, गाजियाबाद सीट की मांग की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसके विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं ठाकुरों की हुंकार शुरू होती है, विरोध शुरू होता है और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों पर उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन अब की बार की चुनाव की बात की जाए, आगामी चुनाव की बात की जाए, आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है किन कारणों की वजह से ये यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में उन कारणों का मंथन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।